हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म ऑनलाइन रिन्यूअल करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कोई भी कोर्स वगैरह करते हैं, जैसे यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे कह लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, टीसी, बीएड, डीएलएड आपके, या फिर नर्सिंग के कोई कोर्स वगैरह हो गए, जो भी आप कोर्स करते हैं, या फिर आप टेंथ के लिए या फिर ट्वेल्थ के लिए रिन्यूअल करना चाहते हैं, चाहे आपकी कोई भी कास्ट कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, तो सभी के लिए मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले ही एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, सबसे पहले ही जाकर के आपको प्रिंट पर बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना है, क्योंकि प्री मैट्रिक आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलर वीडियोज को देखते होंगे तो प्रिंट पे क्लिक करने पे लॉक हो जा रहा है। हालांकि ऐसा पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के सामने नहीं होता है, ठीक है। मैं इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का भी फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, रिन्यूअल करके दिखाऊंगा। प्रिंट पे क्लिक करने पे पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का लॉक नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि लॉक हो जाए, तो सबसे पहले ही जाकर के आप प्रिंट पे क्लिक करके देखने नहीं लगेंगे कि हाँ मेरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, व्यवस्थित तरीके से सारी चीजों को देख लेना है, उसके बाद से जाकर के आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की फास्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जब भी आप देखने आए, कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले हम चलिए शुरू से लॉग इन करके देखेंगे किस तरीके से आपको लॉग इन करना है। पूरा मैं आपको प्रोसेस ए टू जेड में आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्री डॉट करके, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको देखिए ये आपको डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब चूंकि आप क्या करना है, रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिन्यूअल लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा क्लिक किए रहना है, और कहीं साइड में इस व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है। फिर आपके पास देखिए चार ऑप्शन आएंगे। पहला 10 के लिए है, यानी कि प्री मैट्रिक मतलब कक्षा 9-10, तो जो 10 के बच्चे हैं उनके लिए है। दूसरा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, कक्षा 12 के बच्चों के लिए रिन्यूअल का लिंक है। और तीसरा है यूजी, पीजी और डिप्लोमा के जो बच्चे हैं, अर्थात ऐसे के लिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग के कोई भी कोर्स वगैरह करते हैं, वो तीसरा ऑप्शन उनके लिए है। और चौथा भी उन्हीं के लिए है, लेकिन पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए ही है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है। तो तीसरे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके देखते हैं, चूंकि हम इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट का कलिए के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, रिन्यूअल करने वाले हैं। आप प्री मैट्रिक होंगे तो आपको प्री मैट्रिक, यानी कि कक्षा 10 के होंगे तो आपको प्री मैट्रिक पे क्लिक करना है। कक्षा 12 के लिए आप रिन्यूअल कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। चाहे आपकी कोई भी कास्ट कैटेगरी होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सभी के लिए सेम लिंक है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मतलब इंटरमीडिएट, और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का इस वीडियो में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा 2024-25, ठीक है। और यहाँ पे आवेदन का प्रकार क्या दिख जाएगा, नवीनीकरण के हम रिन्यूअल करने आए हैं। पाठ्यक्रम का प्रकार पोस्ट मैट्रिक यहाँ दिख रहा होगा, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपना पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड डालें, ठीक है, जो आपका पासवर्ड होगा। अगर याद नहीं होगा तो यहाँ से आपको फॉरगेट कर लेना है, फॉरगेट कर लेना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पे क्लिक हियर पे कुछ बेसिक से डिटेल्स मांगे जाते हैं, वहाँ से आपको फॉरगेट कर लेना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको लाइव तरीके से सारी चीज़ें आपके सामने ही फिलअप करके सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपका पासवर्ड वगैरह हो गया, मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था। यहाँ से आपको जो कैप्चा है इसको सही तरीके से फिलअप करना होता है। उसके बाद से कैप्चा फिलअप करने के बाद से सही तरीके से यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म देखिए लॉगिन हो गया, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो सबसे ऊपर दिखा देगा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2024-25 नवीनीकरण, यानी कि रिन्यूअल करने आए हैं। तो एक ही स्टेप बस आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है, जो रजिस्ट्रेशन है जो आपने पहले किया था, चूंकि आप रिन्यूअल करने आए हैं तो रजिस्ट्रेशन तो जाहिर सी बात है कि आपका पहले से कंप्लीट है। यहाँ से आपको सारे ऑप्शन फिलअप करने होते हैं, सारे ऑप्शन को ग्रीन करने होते हैं। तो एक एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है, कहाँ पे बच्चों के सामने समस्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे जो लाइन दिख रहा होगा, थ्री पैरेलल लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा जो कि ट्रिक है। फिर प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, ये मैं बात करूँ तो इसका वेरिफिकेशन काफी सिंपल और काफी आसान सा होता है। बस आपको अपने आधार कार्ड का जो नंबर होता है उसको फिलअप करना होता है, और ओटीपी जाएगा, ओटीपी को सबमिट कर देना होता है। उसी प्रकार से मोबाइल नंबर का भी सत्यापन होता है, मोबाइल नंबर फिलअप
फिलअप करना होता है, ओटीपी जाएगा उसको फिलअप कर देना होता है। एनपीसीआई के सत्यापन में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस चेक एनपीसीआई स्टेटस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। अगर आपका बैंक अकाउंट व्यवस्थित है, एनपीसीआई से मैप्ड है, आधार से लिंक की प्रक्रिया कंप्लीट है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आपको बैंक से कॉन्टैक्ट करना होता है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आपको एनपीसीआई का वेरीफिकेशन ऑनलाइन तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन से करना है, वो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद से मेन होता है ये आपका नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। इसमें क्या क्या होगा, आपके एडमिशन की डेट 2024 में आपके एडमिशन की डेट क्या है वो रहेगा, ठीक है। इसके बाद से गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक, यानी कि मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि आप किसी भी कोर्स में हैं, किसी भी कोर्स के इस बार फाइनल ईयर में पहुंचे हैं, तो फाइनल ईयर में जब पहुंचे हैं तो आपका गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक, यानी कि फाइनल ईयर में आप पहुंचने वाले हैं, तो सेकेंड ईयर का जो आपका डेटा है रिजल्ट का, तो आपने टोटल आपका कितना था, मान लीजिए टोटल मान लीजिए सपोज के लिए एग्जाम्पल के लिए 1000 था, 1000 में आपने पाया है 500 या फिर 600, मान लीजिए आपने 600 पाया है, तो ये आपका कह लिए कि पूर्णांक रहेगा टोटल, और ये आपका प्राप्तांक रहेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर का रहेगा। जिस भी ईयर के लिए मान लीजिए कि आप सेकंड ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का ओवरऑल डेटा रहेगा कि हाँ टोटल आपका प्राप्तांक पूर्णांक कितना था, तो 1000 था, प्राप्तांक कितना, तो आपने कितना पाया था, तो वो रहेगा, ठीक है। आप पास थे या फिर प्रमोटेड विद मार्क्स थे, आपकी बैक वगैरह होगी तो प्रमोटेड विद मार्क्स करके आता है, और जो आपके बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर कई सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें इनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है, तो उसको फिलअप करना होता है। इनरोलमेंट नंबर मतलब बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर इसे कहते हैं, जैसे अगर 12th की बात करें या फिर 10th की बात करें तो उनका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर कहा था कि हाँ यूपी बोर्ड का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उसी प्रकार से आप कोई कोर्स वगैरह करते हैं तो उसमें कह लीजिए कि इनरोलमेंट नंबर कहा जाता है, तो वही सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी होती है। फिर यहाँ पे देखिए ये फोटो अपलोड करें, ये आपका पहले से ही व्यवस्थित है। जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करें, अब जैसे यहाँ पे आएंगे तब ये ऑप्शन आपके ये सारे ऑप्शन आपके ओपन होंगे, तो यहाँ पे जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करें पे क्लिक करने से पहले आप देख लेंगे कि हाँ सही से आपने फॉर्म को फिलअप किया या फिर नहीं। हालांकि पोस्ट मैट्रिक का लॉक नहीं होगा, लेकिन प्री मैट्रिक वाले बच्चों का जैसे ही यहाँ पे जाँच हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक कर रहे थे, डायरेक्टली उनका फॉर्म क्या हो जा रहा था, लॉक हो जा रहा था, और उसके बाद से उनका संशोधन नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे जैसे आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, प्रिंट करेंगे, तो चूंकि पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों का लॉक नहीं होना चाहिए, उसके बाद से यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना होता है, जो नीचे लिंक दिख रहा होगा। तो एक एक करके जैसे यहाँ पे देखिए प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करें, तो आधार प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें, ये आपका पहले से व्यवस्थित था, उसमें नहीं आ रहा था। जैसे कि इनका मैं बात करूँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे ये आपका ओपन नहीं होगा, मतलब कि ये भी आपका पहले से ही व्यवस्थित है। फिर मोबाइल नंबर सत्यापन, चूँकि ये पहली बार जब फॉर्म आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया हुआ था तो ये सारे वेरीफिकेशन हो गए थे, तो ये आपका नहीं मांग रहा है, ठीक है। किसी किसी मांग भी सकता है, जिनके में कोई एरर होगी, कोई समस्या आ गई होगी, उनका वेरीफिकेशन मांग सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में प्री मैट्रिक के बच्चों में किसी का भी नहीं मांगा। डायरेक्ट यहाँ से देखिए एनपीसीआई का जो वेरीफिकेशन है, एनपीसीआई सत्यापन, यहाँ से आपका कह लीजिए ओपन हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसके बाद से आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका एनपीसीआई यहाँ पे दिखा जाएगा कि एनपीसीआई का वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो यहाँ देखिए स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर, ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर मेरा बता रहा है, ये सभी में जितने भी बच्चे ओपन करेंगे सभी का इसी प्रकार से बताएगा। जिस डेट में आप यहाँ पे देखिए जिस डेट में आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पे चेक डेट में आपका दिखा देगा, जैसे 21/8/2024 की डेट में फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है, तो यहाँ पे दिखा देगा चेक डेट 21/8/2024 की बात है, ठीक है। मतलब डेट आप देख सकते हैं 21/8/2024 के डेट में, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे चेक एनपीसीआई स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। अगर आपका एनपीसीआई यहाँ पे व्यवस्थित होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। जैसे इनका देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे कभी कभी समय लग रहा है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली ये हो जाता है और रिडायरेक्ट होकर बैक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इनके में समस्या है। अब एनपीसीआई में जब समस्या है, एनपीसीआई के बाद से अभी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, एनपीसीआई में जिनके सामने समस्या आ रही है उनको क्या करना है। तो यहाँ देखिए चलिए एक बार हम होम पेज पे चलते हैं, इनके एनपीसीआई में समस्या है। यहाँ पर देखिए अगर आपका एनपीसीआई में कोई समस्या नहीं होगी तो डायरेक्टली आपका जैसे उस पर क्लिक करेंगे चेक एनपीसीआई स्टेटस पे, वो ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट होकर कह लीजिए बैक आ जाएगा और यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और ये भी सारे ऑटोमेटिकली दोनों टिक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कह लीजिए कि आपके एनपीसीआई में यानी कि आपके बैंकिंग के कह लीजिए डेटा गड़बड़ है, यानी कि वो एनपीसीआई से मैप नहीं है, तो इसके लिए आपको बैंक से जाकर के कॉन्टैक्ट करके एनपीसीआई करा लेना है, या फिर ऑनलाइन प्रोसेस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन घर बैठे आपका एनपीसीआई अपने बैंक अकाउंट से करा लेना है और कैसे चेक करना है कि आपका एनपीसीआई है या फिर नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए चलिए आपका एनपीसीआई का भी ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद से बस ये जो मेन होता है यही आपका फॉर्म होता है, इसमें आपको संशोधन कर लेना होता है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, और उसके बाद से यहाँ पे जाँच हेतु आवेदन प्रिंट कर लेना है। एक बार प्रिंट करने से पहले अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देख लेना है कि कुछ गड़बड़ जो डेटा आपने नहीं फिलअप किया हो सकता है कि लॉक हो जाए, हालांकि लॉक नहीं होना चाहिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों का, ठीक है। उसके बाद से लॉक होने के बाद से यहाँ पे
पे जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करना है, फाइनल सबमिट करना है, और 3 दिन बाद आपकी हार्ड कॉपी निकलेगी, उसको ले जा करके आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे या फिर जो आपने पिछली बार जब फ्रेश फॉर्म फिलअप किया था वो जमा किया था उसके साथ, ठीक है। बस यही सिंपल सा प्रोसेस होता है, आसान सा प्रोसेस होता है, इसमें आपको रिन्यूअल में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर देखिए संस्था हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, यहाँ पर जब लॉक कर देंगे तो यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, लगभग 3 पेज का वो कलिए का फोटो कॉपी रहेगा, उसको प्रिंट करके कॉलेज में ले जा करके सबमिट करना होता है। यही आपके रिन्यूअल का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी इनके एनपीसीआई में क्या है, समस्या है, इनको क्या करना होगा, एनपीसीआई से मैप कराना होगा। उसके लिए हो सकता है कि 7 दिन या फिर 10 दिन लग जाए, तो जैसे इनका एनपीसीआई से मैप हो जाता है मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो डेटा मेरे पास सेंड किए हैं, फॉर्म फिलअप हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म मैंने फिलअप किया था पिछली बार भी, इस बार भी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिनका कलीग सही होगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी, उनका मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।